तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। आयुष्मान कार्ड को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, नए राशन कार्ड से भी अब आप लोग 5 लाख वाले बीमा का गोल्डन कार्ड बनवा पाएंगे, लेकिन कैसे पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, बस आप अंत तक बने रहिए। जी हाँ, नए राशन कार्ड वाले भी अब आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे, तो पूरी जानकारी क्या है चलिए शुरू करते हैं। आपको ये जानकारी हिंदुस्तान.com पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, नए राशन कार्ड से भी बनेगा आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक का इलाज आपको फ्री मिलेगा। जानिए कैसे मिलेगी सुविधा। दोस्तों आपको बता दें, नए राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। 2021 तक बने हुए नए राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, उन्हें इसके तहत 5 लाख रुपए का इलाज अनुबंधित अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। यानी दोस्तों, प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे आपको आयुष्मान कार्ड दिखाकर फ्री इलाज मिलेगा। अभी तक 2014-15 में बने राशन कार्ड पर ही परिवार के सदस्यों का कार्ड बन रहा था। अब खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से आयुष्मान सोसाइटी को नए कार्डों के साथ पुराने रिन्यू किए गए कार्डों का डाटा उपलब्ध करा दिया गया है। जी हां दोस्तों, 5 लाख से ज्यादा परिवारों के 20 लाख से ज्यादा सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। NIC के जरिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA के पोर्टल पर सारे डाटा को लिंक कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं राज्य खाद्य सुरक्षा के तहत इस वक्त उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे 23 लाख परिवार हैं, लगभग 89 लाख कुल सदस्यों का डाटा है। ऐसे में इन लोगों को पहले चरण में 18 लाख से ज्यादा परिवारों को डाटा लिंक किया गया था। पहले कार्ड का 10 डिजिट का नंबर था, अब 12 डिजिट का हो गया है। आयुष्मान सोसाइटी अध्यक्ष DK कोटिया और COE अरुणेंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में सोसाइटी एवं इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी की टीम इस प्रक्रिया में जुटी हुई है। कॉमन सर्विस सेंटर, किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बन सकेगा। दून अस्पताल में आयुष्मान के नोडल डॉक्टर NS खत्री ने कहा कि जिसके पास कार्ड नहीं है वो अपना कार्ड जरूर बनवाए। यानी दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट कार्ड होता है आयुष्मान का, जिसको आपको बनवाने के बाद फ्री इलाज मिलता है। तो जल्द से जल्द आप इसका आवेदन करें। कैसे बनाया जाता है, कैसे लिस्ट में अपना नाम देखना है, कमेंट करेंगे तो उसके भी बारे में एक नई वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल आप इस वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।